नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। नवागत कलेक्टर शिवदास सिंह वर्मा ने बड़वानी कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। सर्किट हाउस में पुष्प गुच्छ देकर अपर कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। आज नवागत कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बड़वानी कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर वर्मा बड़वानी पहुंचकर सर्किट हाउस पर अपर कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर उनसे जिले की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सर्किट हाउस में पुष्पगुच्छ देकर अपर कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें, शिवराज सिंह वर्मा ग्वालियर में एडीएम और अपर अबकारी आयुक्त जैसे जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ किए गए आनंदम संस्थान आनंद विभाग के नोडल अधिकारी रहकर शहर के लोगों को आनंद की अनुभूति करा चुके हैं। आप अपने सरल स्वभाव, प्रकृति प्रेमी और रचनात्मक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इस माहौल में बड़वानी कलेक्टर के रूप में मिली नवीन जिम्मेदारी अपने स्वभाव के अनुरूप नगर के लोगों से किस प्रकार से सामंजस्य बिठा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। इंडिया खबर लाइव के लिए अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। मैंने आज ही परिवार को ग्रहण किया हुआ है और अभी तो सबसे पहली प्राथमिकता COVID-19 को कंट्रोल करने की है। बाकी प्राथमिकता शासन की जो प्राथमिकता है वो हमारी है और इसके बाद मैं बाकी हमारे जो अधिकारियों से चर्चा करके जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके और आम जन से चर्चा के बाद में जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉर्ट आउट करके उनको प्राथमिकता में हम काउंट करेंगे। ये मेरा वो रहेगा, आते ही प्लानिंग रहेगा। अभी मैं सभी लोगों से चर्चा करूँगा, लेकिन करके सबसे बात करने के बाद में अलग से प्रतिबद्ध तय की है। सर, बड़वानी जिले में किस नज़रिए से देखते हैं? निरता की बड़वानी ट्रैवल बेल्ट है और यहाँ पर काम करने का काफ़ी स्कोप है और जहाँ पर ट्रैवल बेल्ट रहता है वहाँ पर समस्या भी अलग तरह की रहती है, वो भी एक चैलेंज रहता है। और चूँकि यहाँ पर काफ़ी जो टीम है पुरानी, ये चूँकि इन समस्याओं से वाकिफ रहती है, हम उनको जान करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम लोग कुछ नया करें। हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको भी हम लोग यहाँ पर जो कुछ अन्य जगह हमने अच्छा काम किया हुआ है उसके अनुभव पर भी हम नया काम करने का प्रयास करेंगे। सर, कोरोना की हम बात करें, लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कोई नई रणनीति बनाई जाएगी? अभी मैं CMHO सिविल सर्जन और हमारे अधिकारी से बात करके देखते हैं कि इसका हम लोग मेन जो इसके रीजन्स हैं क्या हैं और हम इसके लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या कोविड वाली पूरी इंटरनेशनल समस्या है, हमारे देश में भी बहुत तेज़ फैल रहा है। सबसे इसमें क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका कारण हो सकता है, बचाव एक तरीका है। तो इसके लिए हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के अनुसार लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा।